कुएं से ले जाएंगे। तो जो देने वाला है उसको पता चल जाएगा कि मेरी चीज योगदान के स्टोर से किस नीडी पर्सन को चली गई, लेकिन वो अभी ऐप पर नहीं, वो वेब पर है। तो इस वेब ही, इस वेब का जो फंक्शन था वो हम ऐप पे ले रहे हैं, और जैसे आपको ये योगदान वाला थी तो वो आप सिर्फ आपका एनजीओ कर रहा था, आप सिर्फ आपका एनजीओ नहीं, कोई भी एनजीओ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो नीडीज हैं, जैसे आप अगर 2 साल बाद ही फर्नीचर खराब हो गया, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, लोहड़ी के अंदर जैसे लोग फर्नीचर भी जलाते हैं कभी कभी, तो वो वेस्ट नहीं होगा, वो लोगों के पास जाएगा जिन्हें उनकी जरूरत है। और हम उस ऐप के अंदर एक इजी सिस्टम है कि आपको लॉग इन करना है, उसके बाद आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये एनजीओज आपके पास हैं, आप इन्हें वो आपके यहाँ से पिकअप करेंगे और वो आपको और जाके नीडी पर्सन को डिलीवर करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सामान इस व्यक्ति को पहुँच गया है और वो उसको यूटिलाइज करें। आपका ऐप उस योगदान केंद्र के लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। आफ्टर 1 मंथ उस योगदान केंद्र पर आपकी टीम की एक विजिट कराते हैं, और जिन लोगों ने ये योगदान वेबसाइट बनाई उस कंपनी ने, उसका नाम है इविक्स, आरआर फाउंडेशन ने बनाया है, तो फिर उस टीम के साथ आपकी एक मीटिंग कराएंगे। तो वो लोग यूएस बेस्ड है, बट एज इफ यू सेइंग नो, उनकी नीड्स के हिसाब से हमें थोड़े से एक्सेप्शंस रखने हैं। जैसे कि हमें कॉमन चीजें डालते हैं, जैसे फूड होता है, क्लोथ्स होती है, और एजुकेशन की सप्लाईज होती है, उसके बजाय हमने एक और टैब बनाया जिस पे लिखा है अदर्स। तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो फिर उस पर आपके पास एक लिखने का टैब आ जाएगा जिस पे आप अपनी चीज लिख सकते हो, और फिर आपको सारा सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आप आपके घर पे ये वाला वॉलंटियर आएगा और वो कितनी देर में ये सारा सामान डिलीवर कर जाएगा। इसमें आप उनको अपना वॉलंटियर बनाने का भी एक ऑप्शन है, क्या आप हमारे लिए वॉलंटियर करना चाहेंगे? हमने ये सोचा था, बट हमने उसके अंदर एक ऑप्शन वाला एनजीओ को रजिस्टर करने के लिए, वेरीफाइड एनजीओ को हम सर्च करेंगे, उसके बाद उन्हें वहाँ पे अगर किसी एनजीओ ने रजिस्टर करा तो हम उन्हें कॉन्टेक्ट करेंगे और उनको वेरीफाई करके अप्रूव करेंगे, और वो मोस्टली एनजीओ वॉलंटियर करेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास ये आइडिया था कि हमारे पास होंगे ऑप्शन वॉलंटियरिंग करने के लिए जो लोग डोनेटर्स हैं, बट वी एंडेड अप ऑन अ कंक्लूजन कि ऐसा नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो लोग ऐसे वॉलंटियर्स बनेंगे वो वेरीफाइड लोग नहीं है, और केस कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे अगर वो वेरीफाइड नहीं है दे कैन ऑल्सो बी अ क्रिमिनल और समथिंग, ऐसे चांसेस ना लेने के लिए वी कैन ओनली गिव टू वेरीफाइड पीपल इन एनजीओस। हमने जो जैसे उन्होंने बताया अवार्ड्स के बजाय, तो हमने 2 चीजें सोच रखी है, तो हम अवार्ड्स या फिर पॉइंट्स रखेंगे। तो जैसे हमने पॉइंट्स का ऐसा सिस्टम रखा है कि आपने 1 डोनेशन बनाया तो 1 डोनेशन से आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और उन वाले 5 पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो रिड्यूस करने के लिए मनी को। सपोज करो हमने 2 कंपनीज को कनेक्ट कर रखे, बुक माई शो एंड ओला कैब्स, तो आपको एक कोड मिलेगा, जब भी आपको उस वाली पॉइंट्स को यूज करना होगा उसको आप स्कैन करवा सकते हो ड्राइवर के फोन से, और फिर उससे आपकी उतनी वाली अमाउंट ऑफ मनी लेस हो जाएगा, जिससे आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। बहुत अच्छा। तो आप लोग इस ऐप पर आगे बढ़े, हमारी आपके लिए शुभकामनाएं, आप सक्सेस हो।